नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सागर में। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज होने का मतलब है मल त्याग में परेशानी होना या फिर कहें कि मल का सामान्य से कम आना। कब्ज एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब हो जाता है, जिसके कारण वह जो भी खाना खाता है वह उसे नहीं पचता है। आमतौर पर यह एक गंभीर समस्या नहीं है, परंतु इसका इलाज बहुत ही आवश्यक है। कब्ज आंतों के परिवर्तन की वह स्थिति है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है जिसकी गति घट जाती है और मल निष्कासन में बहुत ही जोर लगाना पड़ता है जिसमें दर्द भी होता है। मल त्याग की गति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, परंतु एक सामान्य बात करें तो यदि व्यक्ति सप्ताह में तीन दिन से कम सो जाता है तो यह एक कब्ज की स्थिति ही मानी जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या हैं कब्ज के लक्षण। कब्ज में मल जो है वह बहुत ही सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिससे कि मल त्याग करने में बहुत ही जोर लगाना पड़ता है और दर्द होता है। कब्ज से पीड़ित लोग प्रतिदिन मल त्याग नहीं जाते हैं, जिससे इनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की जीभ सफ़ेद या मटमैली हो जाती है, मुंह का स्वाद भी बदल जाता है, साथ ही मुंह से बदबू भी आने लगती है। कब्ज के रोगियों को भूख भी नहीं लगती है, साथ ही मितली और उल्टी की समस्या भी होती है। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ लक्षण हैं। आइए हम जानते हैं कब्ज के कारण क्या होता है। कब्ज तब होती है जब कोलन बहुत अधिक पानी को अवशोषित करता है। यह तब हो सकता है जब कोलन की मांसपेशियां धीरे धीरे संक्रमित हो जाती हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी होती है और पानी की कमी से आंतों में मल सूखने लगता है, जिससे मल त्याग में मुश्किल होती है। तो जानते हैं कब्ज के क्या कारण और क्या कारण है। आहार में फाइबर की कमी यदि रहती है तो उससे कब्ज हो जाती है। तो सलाह यही दी जाती है कि आहार में फाइबर अच्छी मात्रा में होना चाहिए। फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे फाइबर से समृद्ध पदार्थों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। फाइबर आंतों के कार्यों को बढ़ा देता है और कब्ज को रोकता है। इसके अलावा दोस्तों, शारीरिक निष्क्रियता है कब्ज का कारण। कहने का अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहता है, बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर रहता है, तो कब्ज की समस्या बन जाती है। इसलिए सलाह यह दी जाती है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए और शारीरिक निष्क्रियता को दूर करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जिसके कारण भी कब्ज हो जाती है। इनमें मुख्य दवाइयां हैं नारकोटिक है, दर्द नाशक दवाइयां जिनमें कोडेन है, ऑक्सीकोडेन है, हाइड्रोमोरफोन है। इनके कारण भी कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा डेयरी उत्पादों के अधिक सेवन से भी कब्ज हो जाता है। कुछ लोग दूध और डेयरी उत्पादों का एक लिमिट से अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कब्ज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन जो है प्रेगनेंसी में बहुत अधिक देखा जाता है। प्रेगनेंसी में हार्मोन परिवर्तन होते हैं, एक महिला को कब्ज के प्रति अति संवेदनशील बना सकती है। इसके अलावा गर्भाशय आंतों को संकुचित कर सकता है, जिससे भोजन मार्ग धीमा हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में भी कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पचन धीमा पड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतों की गतिविधि भी कम हो जाती है। इसके अलावा सामान्य रूटीन के बदलाव में भी कब्ज हो जाता है। यदि हम बाहर घूमने जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो उसके सामान्य रूटीन में बदलाव होता है, खान पान में बदलाव होता है, जिसके कारण भी कब्ज की समस्या हो जाती है। देर रात तक सोने से भी कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा समय पर सोच न जाने से भी कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। जैसे ही हम मल का वेग आता है हमें तुरंत सोच के लिए जाना चाहिए। प्रेशर बनता है तो हमें सोच के लिए जाना चाहिए। दिन के समय यदि अचानक प्रेशर बन रहा है और हम किसी कार्य स्थान पर व्यस्त हैं तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके कारण भी कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। निर्जलीकरण के कारण भी कब्ज हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन एक प्रॉब्लम है जिसके कारण भी कब्ज हो जाता है। तो पानी पीना चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिनके कारण हमें कब्ज हो जाती है। कब्ज से बचाव कैसे किया जा सकता है वह भी हम जान लेते हैं। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आहार जो है उसका हमें ध्यान रखना है, कौन सा आहार हमें लेना है। उसके अलावा हमें व्यायाम करना चाहिए और उसके अलावा देर रात तक हमें नहीं सोना चाहिए, हमें जल्दी समय से ही सो जाना चाहिए। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से आहार हैं वह हम जान लेते हैं। कब्ज मिटाने के लिए ताज़ी सब्जियों और फलों का सेवन हमें करना चाहिए। उसके अलावा हमें कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी का पीना चाहिए। ताज़े सब्जियां और फलों में जैसे अमरूद, संतरे, सेब, पालक, मशरूम, गोभी, मूली आदि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मसालों की बात करें तो जीरा, हल्दी और अजवाइन जैसे मसालों को भी हमें काम में लेना चाहिए। कब्ज को दूर करने के लिए मैदा से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैदा से बने उत्पाद जैसे बाहर का खाना होता है जिसमें मैदा होती है, उनका इस्तेमाल नहीं करें। उसके अलावा कॉफ़ी, शराब, ठंडे पेय पदार्थ, पाश्चरीकृत दूध, रिफाइंड स्टार्च, इनसे दूर रहना चाहिए। अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज करें आप, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या नहीं रहे। आपको लंबे समय तक बैठना नहीं चाहिए, आप घूमते रहें। एक्सरसाइज में पवन मुक्तासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, ऐसे कुछ योग हैं जो आपको करने चाहिए। कब्ज से बचने के लिए देर रात तक नहीं जागें और सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करें, गर्म गुनगुना पानी जो है सुबह उठकर आप एक गिलास कम से कम पिएं और उसके बाद सोच जाने की आदत डालें, जिससे आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हमने आपको बताए, कारण क्या होते हैं कब्ज के और हम इनको कैसे आसानी से दूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार बताएंगे जिनके द्वारा आप कब्ज की समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, कम से कम उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, यानी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।